हमारे जो युवा हैं जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1,00,000 रुपया 8,500 रुपए महीने का ठकाठक हमारी सरकार डालेगी। ठकाठक 8,500 रुपए हर महीने का ये वादा आपको याद होगा। राहुल गांधी ने मन से हजारों लोगों की भीड़ के सामने इसे कई बार दोहराया, न सिर्फ दोहराया बल्कि कांग्रेस के गारंटी कार्ड में भी इसका जिक्र किया गया। जिससे कांग्रेस को चुनाव में फायदा भी खूब मिला, लेकिन अब ये पार्टी के लिए दोधारी तलवार बन गया है जो कांग्रेस के 98 सांसदों पर अटक रही है। दरअसल सदन में कांग्रेस के सांसदों की संख्या 0 हो सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें कांग्रेस की गारंटी कार्ड योजना को रिश्वत बताया गया है। इस योजना में 3 मांगे की गई हैं। पहली मांग, कांग्रेस के 98 सांसदों को अयोग्य घोषित किया जाए। दूसरी मांग, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जब्त किया जाए। तीसरी मांग, 8,500 रुपए को वोट के बदले नोट का लालच माना जाए। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने इस गारंटी कार्ड पर रोक लगा दी थी। 2 मई को कांग्रेस पार्टी को लेकर इसे एडवाइजरी भी जारी की गई। कांग्रेस दफ्तर पर भीड़ लग गई थी। लखनऊ में महिलाएं पहली किश्त लेने पहुंच गई थी। हमारे पास फॉर्म है, हमारे पास फॉर्म भरने के लिए, तो आप फॉर्म भरवाओ। नहीं नहीं, ऐसे कोई सूचना नहीं है, मैं कोई नोटिस नहीं, यानी कि ये फर्जी है, सब फर्जी है, ये सिर्फ चुनाव में उसके वोट इकट्ठे करने का वो है। याचिका में इन सभी वीडियो का भी हवाला दिया गया है जिसके आधार पर कहा गया है कि वोटरों को 8,500 रुपए का लालच सीधे सीधे रिश्वत थी। याचिका में इसे जनप्रतिनिधि की धारा 121(1)(a) का उल्लंघन बताया गया है। कहा गया है कि 8,500 रुपए की पेशकश भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। कांग्रेस गारंटी कार्ड पर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हस्ताक्षर थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। अगले हफ्ते से इस केस पर सुनवाई होनी है। अगर कोर्ट का फैसला कांग्रेस के खिलाफ आता है तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है।